ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ डिस्पर्स स्पेस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स स्पेस। डिस्पर्स स्पेस के जो आपके पार्टिकल हैं उनके बेसिस पे आज हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। डिस्पर्स स्पेस, अब देखो इसके बेसिस पे हम कोलाइड्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिस पे कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं भाई, तीन पार्ट में। कौन कौन से हैं? मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। तो फर्स्ट हेडिंग डालना आप लोग, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है। अब मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं? तो पॉइंट नंबर ना, दे आर फॉर्म वन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। दे आर फॉर्म, पॉइंट नंबर वन लिखो इसमें, दे आर फॉर्म व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल aggregate together to form species in the colloidal range. Aggregate together. दोबारा repeat कर रहा हूँ, they are formed when a large number of atoms or molecule aggregate together to form species in the colloidal range. Species in the colloidal range. हो गया यहां तक नोट? कुछ रिपीट करना है? They are formed when a large number of atoms or molecule aggregate together to form species in the collider range. अच्छा, next point लिखा है, इसमें जो molecule या atom aggregate हो रहे हैं उनका जो diameter है वो 1 nanometer से कम होना जरूरी है। तो लिख लेना, atoms which are coming together having diameter less than 1 nanometer. Atoms or molecule coming together should have diameter less than 1 nanometer. यानी इसमें उनका diameter किससे कम होना चाहिए? 1 nanometer से कम होना चाहिए। Next point, molecular mass are not very high. जो molecular mass होंगे इसमें, molecular mass should not very high. यानी जो aggregate बनेगा या जो atom और molecule यहाँ combined हो रहे हैं उनका molecular mass क्या नहीं होना चाहिए, जो atom या molecules यहाँ combined हो रहे हैं उनका molecular mass high नहीं होना चाहिए, should not very high. यानी जो इनका molecular mass कम है ऐसे ही atom या molecules क्या होंगे, combined होके aggregate बनाएंगे और वो क्या करेंगे, colloidal range के अंदर आएगा. इसके अलावा इसमें जो एग्रीगेट फॉर्म हो रहा है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द मॉलिक्यूल, the force of attraction holding the molecule are weak van der Waal forces, are weak van der Waal forces. The force of attraction holding the molecules are weak van der Waal forces. Last point, इनका जो nature होता है,
ये नेचर में कैसे होते हैं? लायोफिलिक होते हैं. तो लिख लेना लास्ट पॉइंट, दे आर लायोफिलिक इन नेचर. दे आर लायोफिलिक इन नेचर. क्लियर? तो ये अपने मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स हैं. तो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स में जो एटम या मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे उनके पार्टिकल का साइज यानी डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होना जरूरी है. वो क्या होते हैं? एक साथ इकट्ठे होते हैं, एग्रीगेट फॉर्म करके, एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, जो कि किस रेंज में होना जरूरी है? कोलाइडल रेंज में. उसमें जो एटम या मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए. एटम और मॉलिक्यूल जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पे अटैच हैं, वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. कैसे होते हैं नेचर में? लायोफिलिक होते हैं. एग्जाम्पल लिख लो, गोल्ड सोल सल्फर सोल ठीक है, एटसेट्रा. ये आपके मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स के एग्जाम्पल है. तो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स क्लियर हो गया. इसी कैटेगरी में सेकेंड आता है मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स. मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. हाँ भाई, सभी ने लिख लिया ना मल्टी मॉलिक्यूलर? कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं करना या किसी पॉइंट में डाउट? नहीं सर. ठीक है, इसमें लिखो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में लिखो पॉइंट नंबर 1, दे आर फॉर्म व्हेन बिग मॉलिक्यूल्स Having large molecular mass, यानी इसमें molecular mass कैसा हो गया? Large हो गया. ठीक है. They are formed when big molecules having large molecular mass are dissolved. Sir, they are formed weak molecules. क्या बोला आपने? They are formed when big molecules having large molecular masses are dissolved in dispersion medium. जब हम बड़े molecules को, जिनका की molecular mass कैसा है? हाई है, वो क्या कराया जाए उनको? उनको हम dissolve करें dispersion medium में. तो इस केस में जो collides बनेगा वो आपका कैसा होगा? Macromolecular collides होगा. Point number 1 clear? यानी इसमें जो एटम या मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर मास कैसा है? हाई है. नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, यहाँ पर भी जो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो उन पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. तो इसमें लिखो, दे ऑल्सो हैव वंडरवॉल, दे ऑल्सो हैव वंडरवॉल्स force of attraction, but these force of attraction, दोबारा repeat कर रहा हूं, they also have van der Waals force of attraction, but the force of attraction are relatively stronger. इसके comparison में multimolecular की comparison, but these force of attraction are relatively stronger. ठीक है. कैसे होते हैं ये नेचर में? लायोफोबिक होते हैं. एग्जाम्पल, स्टार्च, सेल्युलोज, ये सब इसके एग्जाम्पल है. तो लिख लेना एग्जाम्पल में, स्टार्च, सेल्यूलोज, एटसेट्रा. ठीक है सर. आपने ये एग्जाम्पल लायोफिलिक में दिए है ना? स्टार्च, सेल्यूलोज ये मैंने लायोफिलिक में दिए हैं.
लायोफोबिक हाँ नहीं है, सर, लायोफिलिक लायोफिलिक में नहीं थी। आपने। अच्छा हाँ बात तो सही है, और ये तो लायोफिलिक। और जो लायोफोबिक में कोल्ड बोल्ड और इनऑर्गेनिक इन सल्फर, नेचर। हाँ 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 कोल्ड गोल्ड और और सल्फर, गोल्ड सल्फर और सल्फर अपन ने लायोफोबिक किसमें दिया है? लायोफोबिक। लायोफोबिक। लायोफोबिक में दिया है ना, तो यहाँ पे एग्जांपल उल्टा हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल और देख लेंगे एक बार, है ना, तो इसको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल को नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपन लास्ट लिखते हैं एसोसिएट कोलाइड्स, थर्ड एग्जाम्पल तो है। हम क्या करें वो एग्जांपल्स। हाँ एग्जाम्पल छोड़ दो, अभी एग्जाम्पल की जो जगह है उसको छोड़ दो, अपन एनसीईआरटी से एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो ओके नेक्स्ट लिखो, थर्ड आपका एसोसिएट कोलाइड्स। एसोसिएट कोलाइट्स क्या होते हैं, तो इसमें लिखना है। द सब्सटेंस विच बिहेव, इसमें लिखो द सब्सटेंस विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट दिस विच बिहेव एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसेंट्रेशन। The substance which we have normal electrolyte at low concentration but associate at higher concentration, but associate at higher concentration to behave like a colloidal solution, to behave like a colloidal solution are called associate colloids, are called associate colloids. So example likhna hai iska. So डिटर्जेंट एटसेट्रा। सर डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। ठीक है, डेफिनेशन ये है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे सब्सटेंस विच वी हैव एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन बट गेट एसोसिएटेड एट हायर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एसोसिएट कोलाइड्स। मतलब सर जरा बता हाँ दीजिए। ये लोअर कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि अपना NaCl हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है। एक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हेलो, हाँ सर, तो है ना, तो नॉर्मल जब इनकी कंसंट्रेशन लो होगी तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग में आते हैं जैसे कि NaCl, H2SO4, जो कि कंप्लीटली आपके आयनाइज होते हैं। वीक में आता है एसिटिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो कि 100% आयनाइज नहीं होते, या आयनिक में पढ़ते हैं अपन। तो आपके ऐसे कंपाउंड सब्सटेंस जो कि नॉर्मल या लो कंसेंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करें लेकिन हायर कंसेंट्रेशन पे क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए और कोलाइट बना ले। तो ऐसे ऐसे कोलाइट हमारे क्या कहलाते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहलाते हैं, और इनको हम मिशेल भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना है इसमें, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिशेल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिशेल। ठीक है, इनको हम और क्या बोलते हैं, मिशेल भी बोलते हैं। स्पेलिंग क्या है? मिशेल मतलब सर मिशेल अपन पढ़ेंगे अभी, MICELES, MICELES।
डबल एल ई मिशेल, तो इन्हें हम क्या और क्या बोलते हैं, मिशेल भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वो अपना क्या है, मिशेल फॉर्मेशन ही है।